हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टैनफर्ड इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ ग्रामर के बारे में, और हम बात करेंगे ग्रामर के टॉपिक को। ओके, हम डील करेंगे ग्रामर के टॉपिक को। हम मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉमिस किया है कि मैं एक दिन इंग्लिश स्पीकिंग कराऊंगा, एक दिन इंग्लिश स्पीकिंग को हिंदी में बोलूंगा, एक दिन ग्रामर के टॉपिक करूंगा। तो आज है ग्रामर की बारी। इससे पहले कि मैं ग्रामर की तरफ बढ़ूँ, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर टॉपिक आपके मोबाइल फ़ोन पे सबसे पहले मिले। ओके, और ग्रुप डिस्कशन जरूर पार्टिसिपेट करें। सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक सेशंस चलते हैं। रात के 9 से 10 वाला फ्री वाला सेशन है। आप जिस भी सेशन में हो, अपने सेशन में रोज़ाना पार्टिसिपेट करो, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसमें पार्ट ज़रूर करो, क्योंकि सिर्फ कुछ ही मिनटों की मेहनत से आप सीख सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग। तैयार हो उसके लिए? चलो सीखते हैं आज का टॉपिक। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब भी कर ही दिया होगा, तभी आपको सारे वीडियो सीरीज वाइज आपको वन बाय वन मिलता रहेगा आपके मोबाइल फ़ोन पे। आज के ग्रामर सेक्शन में हम बात करने वाले हैं एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स के बारे में, कि आखिर एडवर्ब होता क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। सिर्फ 10 मिनटों में मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करूँ। अगर 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए प्लीज़ माफ़ कर देना। ओके, हिंदी में कहते हैं एडवर्ब को क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में बात करेंगे 10 मिनटों में। तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक मिनट टाइम देख लूँ मैं। यस, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ कि क्रिया विशेषण को और एडवर्ब को हम सोचें, प्लीज़ वीडियो को यहाँ पर रोक लो 2 मिनट के लिए और सोचो आखिर ये टॉपिक आपको पढ़ना क्यों चाहिए, आखिर इसकी ज़रूरत क्या, आवश्यकता क्या है सीखने की। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को रोका होगा, सोचा होगा कि आखिर टॉपिक सीखूँ क्यों। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि जो शब्दों का समूह है उसमें से एक शब्दों का समूह एडवर्ब भी है। तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर एडवर्ब को कहाँ पे इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक लाइन लिखा भी है, टू यूज़ एट करेक्ट प्लेस इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज़ एन एडवर्ब। एक छोटा सा क्विक सा रिव्यू लेते हैं क्योंकि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में इसको डील कर रखा है, फिर भी आज एक छोटा सा रिव्यू मारते हैं कि आखिर एडवर्ब होता क्या है। तो आप इसको लाइन को पढ़ो, यहाँ पे जो लाइन लिखा है, एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? वो एक ऐसा शब्द है जो कि खासियत और क्वालिटी बताता है किसी भी वर्ब का। आपको पता है वर्ब, अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है पिछली वीडियो को ज़रूर देखो क्योंकि उसमें मैंने वर्ब को डील किया है। इस वीडियो को देखने से पहले आप वर्ब को देख लो, एडजेक्टिव की वीडियो को देख लो, क्योंकि जब तक आप नहीं देखोगे, नाउन की वीडियोस को नहीं देखोगे, आपको आज का वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे वीडियो सिक्वेंस में है, day 1 day 2 करते हुए आप भी इसको सिक्वेंस में देखो, पहली वीडियो को पहले देखो फिर इस वीडियो को देखो। तो एडवर्ब क्या है? एक ऐसा शब्द है जो कि विशेषता बतलाता है वर्ब का, एडजेक्टिव का, और किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है। कभी कभी आपने बोला होगा यू आर वेरी वेरी गुड बॉय, सो वेरी ऑलरेडी एक एडवर्ब है। पहला वाला जो वेरी आया उसने क्या किया, अगले एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया, ओ माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बच्चा है। ठीक है, कुछ शब्दों को मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो वर्ब वेरी स्लोली क्विकली इटीसी। एक मैं सेंटेंस दे रहा हूँ यहाँ पर, देखो नैन्सी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। सो यहाँ पे जो वेरी आ रहा है ये एडवर्ब है जो कि एक एडजेक्टिव, जो कि गुड एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। धर्मेंद इज टू फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट क्या था, एक वर्ब था, टू यहाँ पे आया, तो टू ने क्या किया, टू ने यहाँ पर आकर के ओवर क्वालिफाई कर दिया हमारे नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, ये भी कह सकते हैं एडवर्ब। How many kinds of adverb are there in English? इससे पहले कि मैं बताऊं, वीडियो को यहाँ पर रोक लो 2 मिनट के लिए, सोचो आखिर दिमाग पे जोर डालो कि कितने प्रकार के हो सकते हैं, गेस तो करो एक बार। क्या आपने, मुझे उम्मीद है आपने क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टैंडर्ड ग्रामर के हिसाब से एडवर्ब के 9 kinds होते हैं, 9 types होते हैं, जो भी कह लो आप। गूगल सर्च मारोगे 10 भी मिलेंगे, 7 भी मिलेंगे, 12 भी मिलेंगे, उस पर नहीं जाना है। 9 kinds ही स्टैंडर्ड ग्रामर के हिसाब से होते हैं। मैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर को यूज़ कर रहा हूँ, उसी को फॉलो कर रहा हूँ, आप भी उसी को फॉलो करना, क्योंकि वो बहुत पुराना ग्रामर की बुक है और मैंने उसमें बहुत ही रेयर मिस्टेक्स देखे हैं। तो चलिए
लेट्स लर्न दीज ऑल लाइन टाइप्स। चलिए इन सारे 9 टाइप्स को पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं बहुत ही तेजी में, क्योंकि आज मैं निचोड़ के लाया हूँ सारे टाइप्स को, जैसे निचोड़ के लाया था मैं आपके लिए डेफिनेशंस को हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के। सबसे पहला है हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या करता है? टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये बताता है कि काम जो हुआ कब हुआ, समय बताता है, ठीक है। जैसे कि अमृतेश केम यस्टरडे, अमृतेश कब आया, कल आया, तो ये जो यस्टरडे है ये यहाँ पे टाइम बता रहा है। सतुल्लाह विल ज्वाइन सून, सतुल्लाह कब ज्वाइन करेगा, कब, टाइम की बात हो रही, बहुत जल्द ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पे जो ये दो शब्द हैं यस्टरडे और सून, ये हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गया। अगले पे जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, देखते हैं टेल्स हाउ ऑफन एक्शन इज डन। ये बताता है कि कोई भी काम हुआ तो कितनी बार हुआ फ्रिक्वेंसी में, फ्रिक्वेंसी बताता है कि और मतलब कितनी बार ये हुआ। आपने खाना खाया कितनी बार खाना खाया, ओके, आपने पानी पिया कितनी बार पानी पिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, नैना केम हियर ट्वाइस, नैना यहाँ दो बार आई, फ्रिक्वेंसी बता रहा हूँ। इम्तियाज हेल्प्स ऑलवेज, कब मदद करता है इम्तियाज, तो हमेशा मदद करता है, मतलब बार बार मदद करता है। तो ये दो शब्द जो हैं यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी हैं। तीसरे पे आते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टेल्स हाउ और इन व्हाट मैनर एक्शन इज डन। ये बताता है कि जो काम हुआ है ये किस तरीके से हुआ है, ठीक है, तेज हुआ है, स्लो हुआ है, खूबसूरती से हुआ है, अच्छे से हुआ है, बुरे से हुआ है, कैसे हुआ है, क्या तरीका क्या था। तो एडवर्ब आकर के तरीके की बात करने लगता है यहाँ पे मैनर में। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, यास्मीन रोड ब्यूटीफुली, रवि गोज फास्ट। यहाँ पे ब्यूटीफुली और फास्ट जो है ये वर्ब की मैनर की बात कर रहा है। एक कह रहा है कि यास्मीन बहुत खूबसूरत लिखती है, दूसरा कह रहा है रवि जो है बहुत तेज़ी से चला जाता है कहीं भी, ठीक है। चौथा एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट टेल्स वेयर और एट व्हाट प्लेस वर्क इज डन। प्लेस है, नाम से ही जाहिर है कि जगह की बात होगी। तो ये एडवर्ब आकर क्या बताएगा कि आखिर जो हमारा काम हुआ वो हुआ कहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हफ्सा गो देयर, हफ्सा कहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी, एक जगह की बात हो रही है। डोंट गो आउटसाइड एट द टाइम ऑफ सेशन, तो कहाँ नहीं जाना है, आउटसाइड नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है सेशन के समय, सेशन के टाइम पे घर में ही रहना है और सेशन को अटेंड करना रोज रोज, ठीक है। पांचवीं बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की। अब देखो एडवर्ब डिग्री, इट शोज इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन। इंटेंसिटी का मैंने मीनिंग यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है, क्योंकि बहुत से बच्चों को परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, तेजी, मतलब कितना प्रेशराइज होकर काम हुआ है इसकी बात करते हैं, तीव्रता की बात करते हैं। कि जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री यहाँ पे आके तीव्रता की बात करता है, मुमशाद इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश है, मतलब कितनी खुश है, बहुत खुश है। अंजलि हार्डली एब्सेंट एनी सेशन, अंजलि कब सेशन एब्सेंट करती, बहुत ही हार्डली, मतलब बहुत रेयर है। तो जब किसी बात पे जोर डाल रहे हैं और दिखा रहे हैं ओ माय गॉड ये इतनी ज़्यादा तीव्र एक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो बहुत खुश है, कितनी खुश है, बहुत खुश है, तीव्रता बता रहे हैं यहाँ पे। इंटरग्रेटिव एडजेक्टिव यूज टू आस्क एनी क्वेश्चन, इंटरग्रेटिव हमेशा से ही आसान है, जब भी आया इसने सिर्फ सवाल पूछने का काम किया है, यहाँ पे भी सवाल पूछेगा, जितने भी वर्ड्स हैं वेयर हाउ विच व्हेन व्हाट व्हाई, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे इंटरोगेटिव एडवर्ब में आएंगे। वेयर इज़ रितिका, रितिका कहाँ है, हाउ डिज शबाना ज्वाइन, शबाना ने कैसे ज्वाइन कर लिया, तो कैसे, कहाँ, क्यों, ये सारे जो शब्द हैं ये सारे के सारे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। अगले को देखते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन, नेगेशन एंड एफर्मेशन। नेगेशन जो आया नेगेटिव से आया, एफर्मेशन जो आया एफर्मेटिव से आया, मतलब पॉजिटिव से आया। तो मैंने नेगेशन को लिख दिया है यहाँ पर, देखो नेगेशन जो है हमारा नो नॉट नेवर इटीसी है, ऐसे शब्द जो हैं वो हमारा नेगेटिव शब्द है, वो नेगेशन वर्ड में आ गया। एफर्मेशन की बात हुई तो पॉजिटिव बात हो जाएगी, यस श्योरली सर्टेनली। अब मैं एक एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, आई नेवर टेक क्लास ऑन संडेज,
मैं कभी भी क्लास नहीं लेता संडे को, तो नेगेशन का बात हो रहा की बात हो रही है। एफर्मेशन की बात करूँ तो श्योरली आई विल टेक क्लास टुडे, श्योरली आई विल टेक क्लास टुडे, तो यहाँ पर जो श्योरली आ रहा है निश्चित तौर से मैं आज क्लास लूँगा, तो ये जो श्योरली हुआ ये पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए आया। आठवीं की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ रीज़न। रीज़न बहुत ही आसान है, नाम से ही जाहिर है कि जब भी कोई ऐसा शब्द जो दो सेंटेंसेज के बीच में आए और उसको जोड़े, जोड़ने के साथ साथ क्या करे कि वो रीज़न बता दे। जैसे कि यहाँ पे है, रितिका वॉज एबसेंट बिकॉज शी हैज़ एग्ज़ाम। रितिका क्यों एबसेंट है? क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स हैं। सही बात भी है। ओनली 20 स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट सो प्लीज़ बी ऑन टाइम। हर दिन सेशंस में, फ्री सेशन में काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं, पर जो टाइम लिमिट है एक घंटे का, उसमें सिर्फ 20 ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या रीज़न है टाइम पे आने का? क्योंकि पहले आओगे तो पहले पाओगे, तो 20 ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए टाइम पे आओ। एक रीज़न दिया गया यहाँ पे। तो बिकॉज और सोज है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, प्लस रीज़न भी बता रहा है आगे चाहे पीछे कि एक्शन के पीछे रीज़न क्या है। सबसे आखिर वाला बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेटिव एडवर्ब्स, इट जॉइंस टू सेंटेंसेस और क्लॉज। ये क्या करता है? रिलेटिव वाला रिलेटिव का काम करता है, जैसे रिश्तेदार लोग होते हैं, दो लोगों को जोड़ते हैं, तो ये भी सेंटेंस क्या है? दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है रिलेटिव एडवर्ब। जोड़ता तो है ही, साथ में क्या करता है, आगे आने वाले वर्ब में कुछ चेंजेस कर देता है। यहाँ पे ध्यान देना आप एग्जांपल पे, दिस इज़ द हाउस, प्रेजेंट में है, वेयर ही लिव्ड। लिव्ड देखो पास्ट में हो गया, ये पास्ट में हो गया, ये प्रेजेंट में था। जो पहला सेंटेंस था हमारा वो प्रेजेंट में था, और जो वेयर आया, हाउ आया, इसके बाद का जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट हो जाएगा। अक्सर आप देखना टेंस चेंज हो जाएगा, तो ये किसका इफेक्ट है? ये रिलेटिव एडवर्ब का इफेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे समझ में आएंगे। नहीं समझ में आएगा, कोई आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो भी सेशन टाइम है उस सेशन टाइम में लिख कर रखो और मुझसे सवाल करो, सर मुझे ये वाला समझ में नहीं आया, मैं इसको और भी अच्छे से और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी जो लाया था सिर्फ निचोड़ कर लाया था, सागर का मंथन करके अमृत लेकर आया था आपके लिए, एडवर्ब के अमृत के, आपको बहुत चंद मिनटों में मैं समझा दूँ जो मैंने समझा दिया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं होमवर्क की। तो होमवर्क में आपको करना है क्या कि मुझे एडवर्ब बताना है कि एडवर्ब क्या होता है, पर एडवर्ब मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे एग्जांपल्स चाहिए। आप मुझे एग्जांपल्स दोगे, ठीक है, और ये आप मुझे होमवर्क जो है, ये आपका होमवर्क है रात को ग्रुप डिस्कशन के लिए भी और कमेंट सेक्शन के लिए भी, ठीक है। अगले टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं प्रेपोजिशन, इसका भी निचोड़ लेके आऊँगा, मंथन करके अमृत लेके आऊँगा, तैयार है ना अगले टॉपिक के लिए। वैसे मैं अगली जो टॉपिक्स जो डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, वो होगी इंग्लिश स्पीकिंग के टॉपिक होंगे इंग्लिश में, उसके अगले दिन डालूंगा इंग्लिश स्पीकिंग के टॉपिक को हिंदी में, फिर थर्ड डे में ग्रामर का टॉपिक लेके आऊँगा, जो ग्रामर का टॉपिक होगा प्रीपोजिशन। ओके, सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ माई मोटिवेशन। और ग्रुप डिस्कशन में जरूर पार्टिसिपेट करो, जो सा भी टाइमिंग है आपका, फ्री वाला है या पेड है, जो भी सेशन है आप उसमें जरूर जरूर पार्टिसिपेट करो। थैंक यू सो मच एवरीवन।